Hello everyone, welcome to Unacademy. Let's crack it. Start your journey with India's largest online learning platform for which trains students for various exams. Unacademy में सिर्फ GATE और EAC की preparation नहीं होती है बल्कि almost सारी exams, India में जितनी भी exams है, जितनी भी important exams है, उन सभी के लिए Unacademy क्या करता है, students को guide करता है. ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ी एग्जाम का अगर देखा जाए जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट इंटरेस्टेड होता है, दैट इज IIT JEE. तो अनअकैडमी पर IIT JEE, नीट, CA, CAT, डिफेंस, लॉ, इंजीनियरिंग, तो आप सभी जानते हैं क्योंकि हम लोग इतने टाइम से इंजीनियरिंग का ही यहाँ पर देख रहे हैं. तो सभी चीजों की अनअकैडमी पे क्या होता है, एक ऑनलाइन प्रिपरेशन कराई जाती है. ठीक है, इसीलिए अनअकैडमी क्या है, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. नहीं दोस्तों, सिर्फ इस कारण से अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं क्योंकि यहाँ सभी एग्जाम्स के बारे में पढ़ाया जाता है, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि अनअकैडमी पर सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पास टॉप एडुकेटर्स की टीम है. आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को देख लीजिए, आपको हर पर्टिकुलर कोर्स में टॉप एडुकेटर्स ही मिलेंगे जो आप लोग क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं. अनअकैडमी पर जो प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स को दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मीडियम दे रखे हैं हम लोगों ने स्टूडेंट्स को. फर्स्ट इज ऐप एंड अनादर इज यूट्यूब. ओके, अनादर इज यूट्यूब. तो बेसिकली सर, यूट्यूब जो है वो हमारा एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 100% फ्री एजुकेशन दिया जाता है जो अनअकैडमी ने आपके लिए प्रॉमिस कर रखा है. और जो ऐप है इसके पास हमारे पास दो कैटेगरी है. वन इज अवर स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में होता है और जो हमारा दूसरा टाइप है दैट इज अवर सब्सक्रिप्शन बेस्ड, है ना, सब्सक्रिप्शन बेस्ड. ओके, वन अनदर कोर्स इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड बेटा दोस्तों. ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस भी क्या होती है, हमारी फ्री ही रहती है. देखिए दोस्तों, अब जैसा कि एक पर्टिकुलर अनअकैडमी की तरफ से आपको जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, वन इज फ्री अनदर इज पेड, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस पर्टिकुलर कोर्स के साथ अपना क्या करना है, प्रिपरेशन जारी रखना है. इसके ऊपर अनअकैडमी की किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी एजुकेटर आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशराइज नहीं करता या किसी तरह का दबाव नहीं बनाता कि आप इस तरीके के सब्सक्रिप्शन को लीजिए. बट अगर आप सब्सक्रिप्शन का क्वालिटी देखेंगे और आप अपने फ्री एजुकेशन को कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा. और वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ. जब तक मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अश्विन शुक्ला है, मैं पिछले 5 साल से आप लोगों को सभी मतलब स्टूडेंट्स को वेरियस ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गेट, ESE और SSC के लिए प्रिपेयर करता हुआ आ रहा हूँ. ठीक है, प्रिपरेशन कराता हुआ आ रहा हूँ. अभी तक मैंने मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को गाइड करा है. अनअकैडमी में पिछले 4 महीनों से मैं ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट को पढ़ा चुका हूँ इन लास्ट 4 मंथ्स में. ठीक है, जिस दौरान मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए और जिनको मैंने बहुत सारी एग्जाम्स के लिए, स्पेशली जब मैंने ज्वाइन करा था तो SSC JEE का एग्जाम आने वाला था, तो मैंने स्टूडेंट्स को SSC JEE के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर मोटिवेट भी करा और उनकी हर संभव तरीके से प्रैक्टिस कराई. ठीक है, तो बेसिकली अलॉन्ग विद द टीचर आई ऑल्सो वर्क एज अ स्ट्रक्चरल एंड अ साइट इंजीनियर दोस्तों. ठीक है, अब देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा. प्रोफाइल पे आप जाके मुझे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, मेरे प्रोफाइल का जो लिंक है वो क्या है, मुझे आपको जो मेरे प्रोफाइल का क्या है लिंक है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्रोफाइल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आप जाके मुझे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको मेरी तरफ से मिलने वाली जितनी भी अपडेट है. ठीक है, अपडेट में क्या होता है, मेरा अपडेट में बेसिकली मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ. ओके, स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, क्विजेस कंडक्ट कराता हूँ आने वाले, लाइक क्विज, मतलब कि क्विज सुनने में वैसा क्विज नहीं है जो हम लोग स्कूल में किया करते थे, चलो आज क्विज खेले. क्विज मतलब कि जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए आप लोगों को क्वेश्चंस की क्या करवाता हूँ मैं, यहाँ पर प्रैक्टिस कराता हूँ बच्चों. ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा समझ सकते हैं कि स्पेशल क्लास भी होगी और यहाँ पे क्विज भी होगा और ये दोनों चीजें क्या रहती है, हमारी फ्री रहती है. अब इस फ्री को अगर आपको अवेल कराना है तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगी और इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज Ashwin10. इस कोड का क्या करना पड़ेगा, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा. ओके, Ashwin10, यूज दिस कोड. जैसे ही आपने इस कोड का इस्तेमाल करा तो आप लोगों को ये जो स्पेशल क्लासेस और क्विज है ये आपको फ्री में क्या मिलने लगेगी. ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए आप लोग को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स. ठीक है, अब ये जो चीज होती है ये आप लोगों को मिलती है
ऐप पर, लेकिन दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। ये हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन और हमारे आइकनिक सब्सक्रिप्शन का क्या है, पार्ट है। देखिए आइकनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के बीच का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन पे, आइकनिक पे आपको एक पर्सनल कोच अपॉइंट किया जाता है, लेकिन प्लस पे आपको पर्सनल कोच नहीं मिल पाता है। तो प्लस और आइकनिक में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है पर्सनल कोच, एंड इट्स अ बिग डिफरेंस, है ना, इट्स अ बिग डिफरेंस। आप ये समझिए कि एक ऐसे कोच जिन्होंने अभी तक थाउजेंड्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया वन रैंक निकाल के दी हो, है ना, मतलब ऑल ओवर इंडिया रैंक वन निकाल के दी हो वेरियस सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम में, एक ऐसे मेंटर को आप आपको पर्सनली गाइड करने के लिए चूज कर सकते हैं। और ये फीचर इज अवेलेबल ओनली ऑन अनअकैडमी, और इंडिया में कहीं पर भी किसी भी ऐप पर आपको ये चीज नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पर ही, सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पर ही आपको क्या मिलेगा, ये आपको एडवांटेज मिल सकता है, ये फीचर मिल सकता है, बाकी किसी और इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी तक ये अवेल नहीं कराया गया है। ठीक है, अब देखिए आप लोग, जो हमारा YouTube या स्पेशल क्लासेस पे जो कोर्सेज चलते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, कि जो अपकमिंग एग्जाम्स रहती है उनके हिसाब से पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी HPCL और DFCCIL का एग्जाम है, एग्जाम होने वाला है, इसके लिए बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जितने भी एजुकेटर्स हैं वो यूट्यूब पे और स्पेशल क्लास, जो आपका एक फ्री कैटेगरी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्हीं चीजों के लिए आप लोगों को प्रिपेयर कराया जा रहा है। लेकिन अगर किसी बच्चे को गेट या ईएससी की प्रिपरेशन करना है तो उसको वो लेवल यहाँ पर नहीं मिल पाता। गेट और ईएससी के लिए भी फैकल्टीज यूट्यूब और स्पेशल क्लास में पढ़ाती है, बट जब एग्जाम्स का एक पर्टिकुलर शेड्यूल बन जाता है या कोई दूसरी एग्जाम्स नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ गेट और ईएससी ही अपकमिंग एग्जाम है, तो इसी के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आपको गेट और ईएससी की पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना है तो आपको प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ता है, क्योंकि उस पे आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है जो कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर एग्जाम को डेडिकेटेड रहता है। ठीक है, जो क्लासेस होती है वो आप लोग लाइव भी देख सकते हैं और लेटर आप लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड कर देख सकते हैं। कई बच्चों के दिमाग में जाता है कि सर क्या हम लोग क्लास एक ही बार देख सकते हैं? नहीं दोस्तों, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है, जब तक आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस को देख सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में दिख रहा होगा, आप प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ पा सकते हैं बाय यूजिंग दिस वंडरफुल कोड दैट इज अश्विन10। और आप कोर्स की फीस को जो है वो मंथली भी क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो अनादर बेनिफिट विच इज गिवन बाय द अनअकैडमी। और किसी भी इंस्टीट्यूट पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है कि आप क्या कर सकते हैं, फीस को मंथली पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स कोविड टाइम को ध्यान में रखते हुए, कि लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कई लोग एक साथ नहीं दे सकते हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी आपके लिए इतना बेनिफिट्स लेके आता है, आपको ये सारे ऑफर्स को अवेल कराना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 10% ऑफ के लिए आप आइकॉनिक पे भी मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। और आपको क्या मिल जाएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अब सवाल आता है बच्चों आपके मन में कि सर क्या सिर्फ 10% ही ऑफ मिल सकता है? सर मैं तो पढ़ने में अच्छा हूँ, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। सर मैं पिछले 2 साल से मेहनत करते हुए आ रहा हूँ, मुझे और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए। सर मेरी गेट में रैंक पिछली बार इतनी थी, मुझे तो सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए अनअकैडमी ज्वाइन करना है, मुझे 100% गाइडेंस नहीं चाहिए। तो दोस्तों अगर आप क्या है, थोड़े भी डेडिकेटेड है, अगर आपने थोड़ी भी प्रिपरेशन खुद से करी है और आपको बस थोड़े से गाइडेंस की जरूरत है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी कॉम्बैट में जा सकते हैं। अनअकैडमी वैसे भी उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ करता है जो कि डिजर्विंग है या जिन्हें जरूरत है, तो उसके लिए अनअकैडमी लेके आता है अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे को एक टेस्ट, हर संडे, ईच संडे एक स्कॉलरशिप टेस्ट है ना, ईच संडे क्या है मेरा, ये स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। और इस टेस्ट के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, अप टू 100% स्कॉलरशिप ला सकते हैं, मतलब कि जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आपको क्या मिल सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, वो भी कितने टाइम के लिए, 1 महीने के लिए नहीं, पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, समझे आप? और इस टेस्ट को देने के लिए भी आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज अश्विन10। ये अश्विन10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट है हमारा 30 तारीख को, 11 बजे हमारा टेस्ट होता है, 1 घंटे का टेस्ट मिलता है, 1 घंटे का टेस्ट चलता है, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर क्या ये जो क्वेश्चन है इजी होते हैं या टफ होते हैं या मीडियम होते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इजी से लेकर मीडियम तक के लेवल के होते हैं। ठीक है,
और अनअकैडमी चाहता है कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे इस तरह के स्टूडेंट्स आए जो कि डिजर्विंग है. इसलिए देखिए हर संडे ये टेस्ट कराया जा रहा है, सेकेंड, नाइन, सिक्सटीन, 23rd को नहीं हुआ था क्योंकि उस दिन इससे भी बड़ा टेस्ट था, दैट वॉज नेवी गेट, है ना, दैट वॉज नेवी गेट. ओके, तो आप ध्यान रखेंगे. और यहाँ पर देखिए अगर आप शुरू के तीन बच्चों में आते हैं तो आपको 100% ऑफ मिलेगा, 4 से 10 में आते 75% ऑफ, 11 से 50 आते तो 50% ऑफ, और 51 से 100 में आते हैं तो कितना होता है 25% ऑफ. मतलब आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर जो आप खुद से ला सकते हैं. ठीक है, मेरा 10% ऑफ तो आपको मिल ही रहा है मेरे कोड का इस्तेमाल करके, और इस तरह से आपको क्या मिल सकता है, और भी डिस्काउंट मिल सकता है. चलिए बच्चों आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड केबल्स. केबल्स एंड द सस्पेंशन ब्रिजेस हमारे आज के टॉपिक का नाम है बच्चों, तो शुरू हो जाइए आप लोग. चलिए क्लास को जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है वो एक बार मैसेज करके बता दीजिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर, सो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन स्टार्ट माई क्लास, अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन स्टार्ट माई क्लास. जल्दी बताइए बच्चों जिन जिन स्टूडेंट्स ने क्लास को ज्वाइन करिए, कमेंट करिए ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूँ. ओके, नो स्टूडेंट रिप्लाइंग हियर. चलिए तो हम क्या करते हैं, केबल को चालू करते हैं, केबल एंड सस्पेंशन ब्रिजेस. आइए स्टूडेंट्स, तो केबल एंड सस्पेंशन ब्रिजेस में क्या होता है आज इसे समझते हैं हम लोग. तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कैसे, केबल स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों मैंने आपको केबल के बारे में कुछ चीजें बताई थी जब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्टार्ट करा था, और स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी और काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी में भी मैंने आपको केबल के बारे में बहुत सारी बात, मतलब बहुत सारी तो नहीं बट उसका बिहेवियर कैसा रहता है ये चीज बताया था. ठीक है, अब केबल पढ़ने के पहले, किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ने के पहले हमारे जो अजम्पशंस हैं उस केबल को लेके वो हम लोग क्या करते हैं इसे पहले समझ लेते हैं. तो अजम्पशन नंबर वन, सबसे पहले हमारा अजम्पशन नंबर वन क्या होगा, केबल नंबर वन है ना, सॉरी अजम्पशन नंबर वन क्या होगा हमारा, केबल्स आर, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, केबल्स आर है ना, केबल्स आर एक्चुअली इन एक्सटेंसिबल. क्या बोलेंगे, केबल्स आर एक्चुअली इन एक्सटेंसिबल, इन एक्सटेंसिबल है ये, केबल्स आर एक्चुअली इन एक्सटेंसिबल, मतलब इसे एक्चुअली खींचा नहीं जा सकता. केबल्स आर एक्चुअली इन एक्सटेंसिबल, इसे एक्चुअली खींचा नहीं जा सकता. पहला तो ये हो गया. दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, दूसरा हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो केबल्स है ना, केबल्स आर परफेक्टली फ्लेक्सिबल. क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, केबल्स आर परफेक्टली फ्लेक्सिबल, केबल्स आर परफेक्टली फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल है ना, विच मीन्स है ना, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, विच मीन्स है ना, विच मीन्स द बेंडिंग मोमेंट है ना, द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो है ना, इज जीरो एट एनी सेक्शन, एट एनी सेक्शन है ना, एट एनी सेक्शन ऑफ केबल, एट एनी सेक्शन ऑफ केबल. ठीक है, ये बात समझ में आया, जल्दी बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई. ये दोनों अजम्पशन हम लोगों ने क्या करे, समझने की कोशिश करी है ना. बच्चों मैंने आप लोगों को समझाया था ये चीज लास्ट क्लास में भी, कि मतलब जब मैंने स्पेशल क्लास पे स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी वगैरह पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये चीज क्लियर भी करी थी कि अगर मान लीजिए अपने पास एक केबल है ना, अगर अपन इसको इस तरह से बना लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये केबल है मेरे पास, ये यहाँ से इस तरह से है ना, तो केबल के आप क्या करेंगे, केबल के अंदर क्या होगा, केबल एक तरीके का क्या है, एक्चुअली लोडेड मेंबर है ना, केबल क्या है एक तरीके से, केबल इज ए है ना, एक्चुअली लोडेड मेंबर है ना, एक्चुअली लोडेड मेंबर, एक्चुअली लोडेड मेंबर. ये बात समझ में आया, केबल क्या है एक तरीके से, एक एक्चुअली लोडेड मेंबर होता है पहली चीज है ना, और केबल के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस आएंगे, केबल पे जो हमारे नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस आते हैं, तो
तो उन नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, वन, अ नंबर ऑफ अननोन, है ना। इसको अपन और मोर एक्यूरेटली लिखते हैं, अपन लोग यहाँ पर अपन इसको मोर एक्यूरेटली लिखने की कोशिश करते हैं, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ अननोन अननोन मेंबर फोर्सेस, अननोन नंबर ऑफ अननोन मेंबर फोर्स, तो वो कितना होता है हमारा यहाँ पर, यहाँ पर वन होता है। और इसका जो नेचर होगा वो हमेशा क्या होगा, टेंसाइल होगा। ये क्या होगा, टेंसाइल होगा, मतलब टेंसाइल नेचर का क्या होता है, एक फोर्स आता है और ये हमारा होता है केबल। तो अगर केबल को मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसा रिजिडली हेल्ड भी कर रखा है ना, ऐसे फिक्स भी कर रखा है यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा फोर्स आएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो मोर एक्यूरेटली अगर मैं चाहूँ इसे बनाना, तो मैं इसको ऐसे भी करके बना सकता हूँ कि इसको अगर मैंने रिजिडली क्या कर रखा है, ऐसे यहाँ पर हेल्ड कर रखा है, ये देखिए, है ना। तो ना ये केबल ऐसे जा सकती है, ना केबल ऐसे जा सकती है, तो केबल को सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था, खींचा जा सकता है, देयर विल बी नो कॉन्ट्रेक्शन और द कंप्रेशन इन द केबल, है ना। ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है केबल के ऊपर कि जो हमारा केबल है ना, अगर केबल की बात की जाए, है ना, अगर हमारे पास केबल की बात की जाए, तो स्टेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, केबल स्ट्रक्चर, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ केबल स्ट्रक्चर अगर अपन ने लिखा, है ना, केबल स्ट्रक्चर की बात करी, तो देखो, है ना, अगर अपने दिमाग में आता है कि सर देखो ये आपने यहाँ पर क्या करा, इस तरह से ये बनाया, ठीक है, यहाँ पर ये करा आपने, और क्या करा अपन ने, यहाँ पर ये दो केबल्स है ना, दो केबल्स है, इसको एक इंटरनल हिंज की मदद से मैंने करा यहाँ पर जाके जोड़ दिया, है ना, यहाँ पर लाके जोड़ दिया, है ना, और क्या करा यहाँ पर मैंने, है ना, ये देखो इसको ऐसे करा, और मान लो यहाँ पर मैंने क्या करा कि सर डब्ल्यू करके लोड भी लगा दिया, तो हो सकता है केबल का शेप ये बन जाए, और अगर ये डब्ल्यू लोड हटा दो तो केबल अपनी जगह पे भी चले जाए, है ना। लेकिन केबल को लगाया ही ऐसे तरीके से जाता है ना। अब जो केबल है, या तो उसको मैं पकड़ के खींच सकता हूँ, या तो पकड़ के खींच सकता हूँ, या तो क्या कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर लोड के कारण उसमें जितना भी दबाव आ रहा है उसके कारण मैं देख सकता हूँ, मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक इस तरह से टेंशन आएगा और यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से एक टेंशन आएगा, यस और नो। तो बच्चों अगर मैं आपको बोलूँ कि इस केबल का आप मुझे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी निकाल के बताओ, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी निकाल के बता सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर हु कैन टेल मी दैट कि यहाँ पर डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी कितना होगा, कितने बच्चे ये चीज बता सकते हैं। बताइए, कोई जवाब आप लोगों के पास, आंसर करिए बच्चों। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो कर सकते हो सम ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस क्या कर सकते हो, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कर सकते हो, और माइनस क्या कर सकते हो यहाँ पर, माइनस कर सकते हो, है ना, एच, वेयर एच इज व्हाट, इक्वेशन ड्यू टू इक्विलिब्रियम, एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन ड्यू टू इंटरनल हिंज। तो सम ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितना हो जाएगा, चार, है ना, माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी हो जाएगी, तीन, और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, डीएस का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, डीएस का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, जीरो हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई, स्टेबिलिटी ऑफ केबल स्ट्रक्चर के अंदर ये बात समझ में आई कि यहाँ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितनी हो गई, जीरो हो गई, है ना। अगर इसी केबल को अपन ऐसे बनाते हैं, देखो इसी केबल को अपन क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, है ना, ये केबल को अपन ने यहाँ से यहाँ तक ऐसे लगा रखा है ना, यहाँ पर अपन ने क्या कर रखा है, ये ऐसे लगा रखा है, एक सीधी केबल लगा रखी है, या फिर मान लीजिए कि इसी केबल को अपन ने क्या कर रखा है, ये इस केबल स्ट्रक्चर है ना, तो इसको अपन ने क्या कर रखा है, ये देखो, ये इसको ऐसे और इसको इस तरह से ये इंक्लाइंड, है ना, इस तरह से इंक्लाइंड लगा रखा है, जैसा भी आप चाहें, है ना। तो इधर अगर देखा जाए तो देखो, है ना, इसका बताओ, इसका अगर आपको आरी लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर बताओ इसका आरी कैसे लिखोगे, है ना, इसका भी अगर आप चाहो तो एक्सटर्नल, मतलब आरी क्या, आरी नहीं, मतलब इसका डीएस कैसे लिखोगे बताओ, अभी उसका बताया ना, इसका डीएस कैसे लिखोगे, है ना, इसका डीएस भी ऐसे लिख सकते हो, आरी माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल हिंज नहीं है, इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, एच को गायब कर सकते हैं, यस बच्चों, हाँ या ना, है ना। तो इसका आरी कितना हो जाएगा अपने पास, फोर माइनस थ्री कितना हो जाएगा, वन, दोनों के लिए ये हो जाएगा,
ऐसे स्ट्रेट भी ऐसा दिखा दिया और ऐसा इंक्लाइन भी दिखा दिया, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाएगी कि मैं केबल को कितने तरीके से लगा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आप लोगों को? यहाँ पर बताइए क्या आप लोगों को यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, ओके ओके। तो क्या केबल का अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी 0 है और 1 है, तो क्या इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी 0 से कम हो सकता है बच्चों? हाँ हो सकता है, चलो देखते हैं कैसे कम हो सकता है। तो देखो अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर ये मेरा केबल था, है ना, ये मेरा केबल था, रुकिए मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। ये यहाँ पर मेरा क्या एक इंटरनल हिंज, ये सॉरी यहाँ पर मेरा एक हिंज सपोर्ट था और यहाँ पर मैंने केबल लगा रखी थी, है ना, केबल लगा रखी थी। ये मेरा इंटरनल हिंज आ गया, है ना, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर भी क्या हो गया, इस तरह से बन लग गया। और ये यहाँ पर क्या हो गया था, ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये ऐसे लग गया, ठीक है, ये चीज हो गई। अब समझो कि, समझो यहाँ पर कि यहाँ पर अपन चाहे तो एक फोर्स भी लगा सकते हैं। देखिए W1 ऐसा लगा दिया और यहाँ पर अगर अपन ने W2 लगा दिया, है ना, W2 लगा दिया, ऐसे कर दिया, है ना, समझे आप लोग ये बात? समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना? अब W1 और W2 क्या है, अभी यहाँ पर ऐसे इक्वल है ना, W1 और W2 क्या है, इक्वल है। और मैं चाहता था कि मेरे केबल, है ना, केबल का प्रोफाइल क्या हो, ऐसा का ऐसा ही रहे, है ना, ऐसा का ऐसा ही रहे। तो बच्चों देखो यहाँ का डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी कितना हो जाएगा, अपन करते हैं सम ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, है ना, माइनस एच। अगर मैंने ऐसे लिखा तो सम ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 3, और ये जो एच होगा ये कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो गया -1, है ना। तो डीएस कितना हो गया यहाँ पर, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी -1, है ना। तो आप सब जानते हो, है ना, है ना, आप सब जानते हो, ये चीज मैंने आपको बता रखा है, नोट करके ये चीज बता रखा है कि इफ, है ना, इफ द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी, क्या बता रखा मैंने आप लोगों को, इफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी, इफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी, है ना, इज लेस देन, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, इज लेस देन 0, है ना, 0, देन द स्ट्रक्चर विल बी, देन द स्ट्रक्चर विल बी, है ना, स्ट्रक्चर विल बी, है ना, विल बी अनस्टेबल, है ना, विल बी अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब क्या होगा, उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर विल बी, है ना, अनस्टेबल, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या हो गया, अब आप बोलोगे सर कि आप बोल रहे हो अनस्टेबल है, लेकिन ये हमको तो सही दिख रहा है ना। तो ध्यान रखना ये क्या है ना, ये जो था, है ना, दिस इज द, दिस प्रोफाइल, है ना, दिस इज द, दिस इज द डिजायर्ड प्रोफाइल, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, डिजायर्ड, है ना, डिजायर्ड प्रोफाइल, क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, दिस इज द डिजायर्ड प्रोफाइल, है ना, प्रोफाइल, और क्या बोल सकते हैं, प्रोफाइल, और शेप ऑफ द, क्या बोल सकते हैं, शेप ऑफ द केबल, शेप ऑफ द केबल, ये चीज ध्यान रखना, दिस इज द डिजायर्ड प्रोफाइल और द शेप ऑफ द केबल, ये चीज है। तो देयर फोर, है ना, देयर फोर, है ना, देयर फोर, देयर फोर इट इज, है ना, देयर फोर इट इज कंसिडर्ड एज, है ना, इट इज कंसिडर्ड, कंसिडर्ड एज ए स्टेबल स्ट्रक्चर, ये क्या होगा हमारा, स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, ये क्या होगा हमारा यहाँ पर, स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, है ना, देयर फोर इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेबल स्ट्रक्चर, क्या बोला जाएगा इसको, स्टेबल स्ट्रक्चर बोला जाएगा। ठीक है, इवन इवन इफ, है ना, इवन इफ, है ना, इवन इफ डीएस इज लेस देन 0, ये चीज समझ में आया। बट देखो सब कुछ सेम रखूंगा मैं, सब कुछ क्या करूंगा यहाँ पर, सेम ही रखूंगा, सेम ही रखूंगा। देखो इसको तो क्या करा अपन ने यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर अपन ने क्या करा, इसको अपन ने, ये देखो यहाँ पर अपन ऐसे लेके आए, है ना, रुको, यहाँ पर अपन ने क्या करा, है ना, इसको अपन ने क्या करा, यहाँ पर ऐसे रखा, है ना। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो था, यहाँ पर अपन ने करा जो W1 था, है ना, W1 जो अपन ने लगाया था, तो इस बार क्या करा, जो W1 था वो ज्यादा हो गया W2 से, मान लीजिए, है ना। तो ये जो केबल होगी, W1 इधर ऐसा हो जाएगा, तो केबल क्या हो जाएगी, इधर से थोड़ा ये ऐसा नीचे की तरफ जाएगा और इस तरफ शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये W2 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा, और ये जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाके क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, है ना, कहने का मतलब क्या होगा कि इस केस में भी जो डीएस होगा, है ना, इस केस में भी जो डीएस होगा, है ना, डीएस होगा वो क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 1 ही होगा, सॉरी लेस देन 1 नहीं, लेस देन 0 ही होगा, है ना, डीएस क्या होगा, लेस देन 0 होगा।
तो दिस केबल स्ट्रक्चर जो होगा ये क्या होगा हमारा अनस्टेबल होगा, है ना, ये क्या होगा अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि जो जो मैंने सोचा था, जो मैंने सोचा था कि मेरा केबल इस तरह से होना चाहिए, है ना, उसका प्रोफाइल, उसका शेप आफ्टर लोडिंग इस तरह से होना चाहिए, अगर वो वैसा नहीं है तो ये क्या होगा मेरा अनस्टेबल ही काउंट किया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको, यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ या जवाब दीजिए, ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ से, है ना, यहाँ से अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ने के किसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना, है ना, इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अ केबल कैन बी, है ना, अ केबल, है ना, कैन बी, है ना, कैन बी, है ना, कैन बी स्टेबल, अ केबल स्ट्रक्चर पूरा लिखता हूँ यहाँ पर, अ केबल स्ट्रक्चर कैन बी स्टेबल, है ना, स्टेबल फॉर ए, है ना, फॉर ए, है ना, फॉर ए पर्टिकुलर, क्या लिखेंगे, फॉर ए पर्टिकुलर लोड कॉम्बिनेशन, फॉर ए पर्टिकुलर लोड कॉम्बिनेशन, है ना, फॉर अ पर्टिकुलर लोड कॉम्बिनेशन एंड, है ना, एंड फॉर अ पर्टिकुलर लोड कॉम्बिनेशन एंड कैन बी, है ना, कैन बी अनस्टेबल, कैन बी अनस्टेबल फॉर ए, अनस्टेबल फॉर ए डिफरेंट, फॉर ए डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, है ना, फॉर ए डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन, है ना, लोड कॉम्बिनेशन। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, है ना, ये चीज समझ में आया। सो हम क्या कर सकते हैं, है ना, केबल, है ना, द केबल शेप, है ना, द केबल स्ट्रक्चर, वापस पूरा लिखते हैं यहाँ पर अपन लोग, है ना, केबल स्ट्रक्चर, केबल स्ट्रक्चर एंड इट्स शेप, एंड इट्स शेप, है ना, डिपेंड्स अपॉन, है ना, depends upon, है ना, depends upon, है ना, depends upon the load combination, या फिर लिख सकते हैं loading pattern, है ना, loading pattern, है ना, pattern, समझ में आया, loading pattern, है ना। तो ध्यान रखना, if the loading pattern, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, if the loading pattern, loading pattern changes, क्या लिखेंगे, if the loading pattern, है ना, changes, then, है ना, loading pattern changes, then the shape of, है ना, the shape of cable structure, है ना, shape of the cable structure also changes, shape of cable structure also changes। ये बात समझ में आई आप लोगों को यहाँ पर? जल्दी बताइए क्या आपको, आप लोगों को ये बात समझ में आया कि किस तरह से shape of cable structure बदल जाएगा, yes or no? है ना, ये समझ में आया, है ना, एंड, है ना, एंड वेन, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंड वेन द शेप, है ना, शेप, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, शेप और द प्रोफाइल, है ना, प्रोफाइल ऑफ केबल स्ट्रक्चर चेंजेस, केबल स्ट्रक्चर चेंजेस, केबल स्ट्रक्चर चेंजेस, चेंजेस प्रोफाइल और द केबल स्ट्रक्चर, वेन द प्रोफाइल और शेप और प्रोफाइल ऑफ केबल स्ट्रक्चर चेंजेस, इट बिकम्स, है ना, इट बिकम्स अनस्टेबल, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट बिकम्स अनस्टेबल, क्या हो जाएगा ये यहाँ पर, अनस्टेबल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? जल्दी बताइए, कमेंट करिए और बताइए क्या आपको ये बात यहाँ पर समझ में आई बच्चों? चलिए, है ना, है ना, चलिए अब अपने पास एक टॉपिक है, अपने पास एक नया टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड द स्टीफन गर्डर, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, है ना, स्टीफन, स्टीफन गर्डर, स्टीफन गर्डर सस्पेंशन ब्रिज, क्या लिखेंगे, स्टीफन गर्डर सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या, एक तरीके से मान लीजिए एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है।
तो इसके मतलब क्या होगा, एक गर्डर बनाना पड़ेगा, स्टिफन गर्डर, मतलब रिजिड बॉडी का एक मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, इस तरह से गर्डर बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, इस तरह से गर्डर बनाया है ना, यहाँ पर क्या करा मैंने, एक इस तरह से मैंने क्या करा, गर्डर बनाया है ना, गर्डर बनाया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन लोग है ना, यहाँ पर ये करेंगे है ना, ये हो गया है ना, ये हो गया, है ना, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद है ना, उसके बाद ये हो गया, है ना, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करा, इसको अपन ने करा केबल स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करा, ऐसे ज्वाइन कर दिया। इमेजिन कर पा रहे हो उसको, केबल स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करा अपन ने उसको, यहाँ पर इस तरह से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया है ना। तो इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, केबल स्ट्रक्चर है ना। ये यहाँ पर कैसा होगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पर क्या होगा है ना, ये एज अ लिंक है ना, ये केबल्स अपन ने यहाँ कर 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 क्या करी, यहाँ पर लगा दी, ठीक है। अब बताओ मेरे को इसका, मुझे बताना इसका कि इसके लिए आप डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कैसे लिखोगे, बताओ बताओ इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितना होगा, बताइए यहाँ पर आप लोग मुझे कि इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कैसे लिखोगे आप लोग। देखिए मैंने आप लोगों को एक मेथड सिखाया था है ना, ये याद है आप लोगों को, यहाँ लिख सकते हैं अपन लोग कितना, यहाँ लिख सकते हैं अपन लोग कितना, 2 + 1 माइनस कितना लिखेंगे यहाँ पर, 2 + 1 माइनस कितना लिखेंगे, 2, ये हो जाएगा 1। ये मेंबर को काउंट कर लिया, इसको देखो, इसको गिनो कितना लिखोगे, 1 + 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर है ना, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा अपना 1 + 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0। ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा है ना। ये यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा है ना, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा कितना है यहाँ पर मेरे पास, अभी तक तो मेरे पास डी एस में कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। यहाँ पर आओ है ना, यहाँ पर देखते हैं अपन लोग, इस मेंबर को अगर वो मार्क करो, इस मेंबर को मार्क करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 और 2 है ना, इस मेंबर को करो मार्क करो, 2 मिनट रुकना। है ना, 3 और 2 और ये -3 करा तो कितना बचा यहाँ पर, 2 बचा, ठीक है। ये चीज समझ में आया अपने को यहाँ पर, यस और नो है ना, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर तो इस मेंबर को अपन क्या करेंगे, मार्क करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस मेंबर को अपन क्या करेंगे यहाँ पर, मार्क करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ इस ज्वाइंट के लिए लिख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ इस मेंबर को अपन ने करा मार्क करा है ना, मार्क करा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 3 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस मेंबर को मैंने यहाँ पर मार्क करा तो कितना हो जाएगा, 3 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा है ना। और ये जो मेरे पास क्या है यहाँ पर, ये जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, रोलर है, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो कितना बचा मेरे पास, 2 + 2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 आ गया। मतलब बोल सकते हो आप लोग इसके अंदर है ना, और ये कितना है इस केस का, इसका शेप देखो, मतलब इसका प्रोफाइल देखो, इसका टाइप देखो कैसा है ये, है ना, 2 हिंज है ना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर है ना, 2 हिंज स्टिफन गर्डर, क्या लिख सकते हैं अपन लोग इसको है ना, 2 हिंज स्टिफन गर्डर है ना, गर्डर, 2 हिंज स्टिफन, स्टिफन की स्पेलिंग गलत है, 2 हिंज स्टिफन गर्डर है ना, 2 हिंज स्टिफन गर्डर विथ है ना, 2 हिंज स्टिफन गर्डर विथ टू इंच स्टेपन गर्डर विथ सस्पेंशन ब्रिज है ना, सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन ब्रिज, क्या लिख रहे हैं अपन लोग यहाँ पर, सस्पेंशन ब्रिज इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बाय, इज स्टैटिकली, क्या लिख रहे हैं अपन लोग, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बाय, स्टैटिकली इन डिटर्मिनेट बाय, इनडिटर्मिनेट बाय 1 डिग्री, कैसे है ये, 1 डिग्री से क्या है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, ठीक है।
ये चीज समझ में आ गया बात, बताओ है ना, क्या आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई बच्चों, जल्दी बताओ है ना। अब सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पर क्या करता, इसको क्या करता, 3 इंच कर देता है ना। आप 3 इंच कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। अगर मैं इसी ब्रिज को क्या करूँ, 3 इंच कर दूँ, 3 इंच कैसे करूंगा देखो है ना, एक गर्डर यहाँ से यूं गया है ना, एक गर्डर देखो ये क्या हुआ, यहाँ से ऐसे गया और फिर यहाँ से क्या हुआ, ये इस तरह से ऐसे गया ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर इस तरह से यूं लगा और ये यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से ये लगा है ना। अब यहाँ पर ये ऐसे लगा है ना, ये देखिए है ना, ये यहाँ पर अपने पास क्या हुआ, ये इस तरह से ये यहाँ पर ये यूं लग गया ठीक है। अब इसको अपन ने क्या करा, इसको अपन ने यहाँ से इस तरह से पैक कर दी, मतलब ये अपना गर्डर बन गया। 3 इंच है तो 1 इंच बीच में आ गया और 2 इंच कहाँ कर दिया अपन ने, यहाँ पर ये इस तरह से अपन ने यहाँ पर ये कर दिया ठीक है। अब अपन ने क्या करा, इसको अपने को सस्पेंशन केबल पे टांगना था तो उसको सस्पेंशन केबल पे अपन टांगते, देखो है ना, ये देखो है ना, ये सस्पेंशन केबल पे अपन ने क्या करा, एक सस्पेंशन केबल अपन ने यहाँ पर ऐसी लगाई है ना, और क्या करा, यहाँ पर क्या करा, इस तरह से ये इसको ये कर दिया, यहाँ पर जाके क्या हुआ, ये अटक गया। अब क्या करा अपन ने यहाँ पर, ये देखो अपन ने क्या करा, यहाँ पर इसको इस तरह से अटका दिया है ना। तो ध्यान रखना इसका जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं 3 हिंज स्टीफन गर्डर है ना, 3 हिंज स्टीफन गर्डर जो होगा है ना, नेक्स्ट केस है ना, नेक्स्ट केस मतलब 3 क्या बोलेंगे अपन लोग इसको है ना, 3 हिंज स्टीफन है ना, स्टीफन गर्डर 3 इंच क्या लिखेंगे अपन लोग यहाँ पर, 3 इंच स्टीफन गर्डर सस्पेंशन ब्रिज, स्टीफन गर्डर है ना, सस्पेंशन क्या लिखेंगे अपन लोग, स्टीफन गर्डर सस्पेंशन ब्रिज है ना, सस्पेंशन ब्रिज इज स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, क्या लिखेंगे, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। क्या आपको मेरी बात समझ में आया, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, क्या आपको ये बात समझ में आई बच्चों यहाँ पर, चलिए जवाब दीजिए ठीक है। आज बच्चे गायब कहाँ पर हो, आज स्टूडेंट्स आपने क्लास अटेंड क्यों नहीं करी, जिसमें कि मैंने शेयर तो कर ही दिया था। चलिए बताइए आगे, अभी स्टूडेंट चलिए ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो हमारा केबल हमारा स्ट्रक्चर होता है, या हमारा जो सस्पेंशन ब्रिज है ना, सस्पेंशन ब्रिज जो होता है हमारा, वो किस तरह से स्टैटिकली डिटरमिनेट हो सकता है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मतलब स्टैटिकली डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट होने के साथ साथ वो कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा, इस चीज के बारे में हमने बहुत सारी चीजें क्या करी यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो बच्चों अब मैं अगर आपको ये चीज बोलूं कि जैसे आपने ट्रस को सॉल्व किया था है ना, मेथड ऑफ जॉइंट से आपने सॉल्व करा था, उसी मेथड ऑफ जॉइंट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, केबल को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, वैसा ही करने में भी क्या है, बड़ा सा आसान सा है ना। कुछ चीजें ध्यान रखना कि जो केबल है ना, केबल के किसी भी सेक्शन के अबाउट अगर आप बेंडिंग मोमेंट लोगे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी है ना। तो वैसे तो हमारे ट्रस में भी यही था कि अगर हम किसी भी जॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, वहां पे 0 आएगा। तो जो भी अजम्पशंस है उनको आप अपने ध्यान में रख के क्या कर सकते हो, उन अजम्पशन को आप अपने ध्यान में रख के क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर 2 से 3 मिनट रुकूंगा ताकि आप लोग क्या कर सकें, उसे पढ़ सकें और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है। चलिए कैलकुलेट, कैलकुलेट टेंशन इन ना, कैलकुलेट टेंशन इन ईच सेगमेंट है ना ऑफ गर्डर है
है ना, ऑफ गर्डर, है ना, ये चीज हो गई। तो कहने का मतलब देखते हैं हम लोग, इसका कहने का मतलब क्या होगा, ये यहां पर देखिए, है ना। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है, उसका मतलब क्या होगा कि आप जितने भी यहाँ पर इसके मेंबर्स हैं, जितने भी यहाँ पर इसके मेंबर्स हैं, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि किस पर्टिकुलर मेंबर में कितना लोड आएगा। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करके मुझको बताना है। चलिए बताइए आप मुझे, कोशिश करिए इसे बताने की। सबसे पहले तो आप इसका FBD बनाने, इसका FBD बनाने की कोशिश करिए। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका FBD बनाएंगे। तो देखिए FBD बनाने का मतलब क्या होगा, ये देखो, ये यहाँ से क्या होगा, ये A से B अपना ये यहाँ पर ये आया, है ना। अब ये क्या हुआ, B से C, सॉरी, ये A से B अपना यहाँ पर ये आया, है ना, ये A से B अपना यहाँ पर ये ऐसा आ गया। तो मान लो यहाँ पर ये ऐसे, और ये यहाँ पर ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये यहाँ से ये ऐसे चले गया, ठीक है। और क्या हुआ, ये यहाँ से क्या हुआ, ये इस तरह से ये यहाँ पर चले गया, है ना, ये इस तरह से, ऐसे मान लीजिए डायग्राम ऐसा हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक अपना यहाँ पर ये ऐसे लग गया, और यहाँ पर क्या हुआ, एक ऐसे लग गया, है ना। तो ये ए, ये अपना पॉइंट ए था, है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये एच ए हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, बी ए हो गया। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। तो इसे अपन ने क्या कहा, बी डी कहा, और इसे अपन ने क्या कहा, एच डी कहा, है ना। अब ये यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये 3 किलो न्यूटन हो जाएगा, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 किलो न्यूटन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 किलो न्यूटन हो जाएगा। बात समझ में आई अपने को यहाँ पर, है ना, बात समझ में आई यहाँ पर। ये 2-2 मीटर का हिसाब देख लें अपन पहले, कि ये जो, हाँ चलो इतना तो हो गया। अब आपको सबको यहाँ पर पता है कि जितने भी डिस्टेंस है हमारे, ये सारे कितने, 2-2 मीटर के हैं। ये भी 2 मीटर का है ना, ये भी कितना है, 2 मीटर का है, और ये यहाँ से यहाँ तक का भी कितना है, 2 मीटर का है ना। ये चीज हो गई। अब क्या करेंगे अपन लोग, ये जो अपना पॉइंट है, इससे अपना जो डी का पॉइंट है, इसे कितना ले लो, है ना, इसे कितना ले लो, ये 2 मीटर ले लो, है ना, इसे कितना ले लो अपन लोग यहाँ पर, ये 2 मीटर ले लो, है ना। और ये जो ए और इसके बीच का डिस्टेंस है, इसे भी अपन कितना ले लो यहाँ पर, 2 मीटर ले लो, है ना, इसे भी कितना ले लो, 2 मीटर ले लो। ये बात समझ में आया, है ना। लेकिन ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये कौन सा, बी तक का जो डिस्टेंस है, ये मेरा क्या है, एच है, और ये मेरा 2 मीटर है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से आप सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या लगा सकते हो, 0 लगा सकते हो। सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 आपने जैसे लगाया, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर माइनस एच ए प्लस एच डी, है ना, इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया यहाँ पर एच ए इज इक्वल टू एच डी इज इक्वल टू एच, पहला आपके पास ये आ गया। उसके बाद लिख सकते हो सम ऑफ एफ आई इक्वल टू 0। तो सम ऑफ एफ आई इक्वल टू 0 आपने जैसे लिखा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, वी ए प्लस वी डी। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, वी ए प्लस वी डी लिखोगे। तो जैसे ही आपने लिखा यहाँ पर वी ए और वी डी, तो वी ए और वी डी कितना हो जाएगा, 3 प्लस 8 दैट इज 11, है ना, दैट इज 11, यस और नो।
बड़ा आसान सा सवाल चल रहा है यहाँ पर, ये क्या बड़ा आसान सा सवाल चल रहा है, आप बताइए इसको। वी ए प्लस वी डी कितना जाएगा, 11 किलो न्यूटन हो जाएगा, यस है ना, यस है ना। अब आप क्या कर सकते हो, तीसरा तीसरा आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, यू कैन डू दिस थिंग दैट मोमेंट अबाउट जेड इक्वल्स टू क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। मोमेंट अबाउट जेड क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू आप क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। तो मोमेंट अबाउट जेड इक्वल्स टू जीरो करना मतलब क्या करेंगे हम लोग, टेक मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट है ना, टेक मोमेंट अबाउट ए ले लेते हैं अपन लोग, टेक मोमेंट अबाउट क्या करेंगे हम लोग, टेक मोमेंट अबाउट ए कर लेते हैं। ए पर आके खड़े हो जाओ है ना, ए पर आके खड़े हो जाओ, तो 3 × 2 और 10 × 8 × 4 तो दिख ही रहा है ना, 3 × 2 कर देते हैं और 8 × कितना कर देते हैं, 4 कर देते हैं, 8 × 4 कर देते हैं है ना, है ना, 8 × 4 कर देते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया अपने को, है ना, ये चीज समझ में आया है ना। अब देखो ए और डी के बीच का जो डिस्टेंस था वो 2 मीटर था है ना, तो एच डी के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और बी डी के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई होगा है ना। तो मतलब क्या करेंगे, वी डी इंटू क्या कर देंगे, 6 कर देंगे और एच डी इंटू कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। चलो अब बताओ यहाँ पर किसके साथ पॉजिटिव और किसके साथ नेगेटिव, तो जो जो क्लॉकवाइज थे उन सबके साथ क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो, जो जो एंटी क्लॉकवाइज थे उन सबके साथ क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। ये बात समझ में आया, देखो ये भी नेगेटिव, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा अपना 32, ये माइनस कितना हो जाएगा, 6 VD हो जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा, 2 HD हो जाएगा, ये माइनस में कितना हो जाएगा, 2 HD इक्वल्स टू 0 हो जाएगा है ना। तो क्या करते हैं अपन लोग, ये 38 हो गया, 38 ही हो गया, तो उसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 3 VD हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा, HD हो जाएगा, 38 उधर गया था, तो ये 19 क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन हो जाएगा। तो दैट विल गिव अस द वेरी फर्स्ट, दैट विल गिव अस अवर वेरी फर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टू अननोन्स। आर यू गाइस गेटिंग दिस थिंग, यस और नो? बड़ा आसान सा सवाल था जिसको हमने क्या करा, सॉल्व करते जा रहे हैं हम लोग है ना। अब उसी तरह से अगर हम लोग चाहे तो मोमेंट अबाउट सी भी कर सकता हूं मैं, यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, टेक द मोमेंट अबाउट सी, टेक द मोमेंट अबाउट सी, टेक मोमेंट अबाउट सी क्या करो, मोमेंट अबाउट क्या करो, यहाँ पर सी ले लो। तो क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट अबाउट सी अपन ने जैसे ही लिया, मोमेंट अबाउट सी कहाँ पर है हमारे पास, ये देखो ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया हमारे पास सी और ये हो गया हमारे पास डी। तो जैसे अपन ने सी के अबाउट मोमेंट लिया तो क्या क्या मिल रहा है अपने को, सी के अबाउट करने पर सी सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है अपने पास, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है अपने पास, 4 है ना। तो ये बात समझ में आ गई, तो सी के अपन किस तरफ देख रहे हैं, सी के अपन किस तरफ देख रहे हैं बच्चों, सी के अपन देखेंगे राइट साइड, सी के अपन कहाँ देखेंगे, राइट साइड देखेंगे। ये देखो राइट साइड अपन ने देखा, तो जैसे अपन ने राइट साइड दिखा तो कितना हो जाएगा, एच डी इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास, एच डी इंटू 2 ये हो जाएगा मेरे पास, और माइनस कितना हो जाएगा, बी डी इंटू 2 माइनस क्या हो जाएगा, बी डी इंटू 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन लोग यहाँ पर, इसको अपन लिख सकते हैं 2 × VD माइनस है ना, 2 × VD। तो इसको अपन एक ही बार में पूरा सॉल्व कर लेते हैं, VD माइनस HD कर लेते हैं और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा है ना। तो अब अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर है ना, इक्वेशन बना लेते हैं अपने पास। तो पहला इक्वेशन नंबर 1 हो गया है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया है ना, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया अपने पास, 3 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया अपने पास, 4 हो गया। ये बात समझ में आया आपको, यस और नो? ये आपको समझ में आया कि ये VD हो गया, ये HD हो गया, ये 19 किलो न्यूटन, ये ऐसा हो गया है ना। अब बताओ बच्चों मुझको यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर बताओ कि अगर अपने को है ना, ये एच डी हो गया, ये वी डी हो गया और ये 0 हो गया है ना, तो ये वी डी माइनस एच डी इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा है ना। वी डी माइनस एच डी कितना हो जाएगा यहाँ पर है ना, 0 हो जाएगा। वी डी माइनस एच डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 3 और 4 का इस्तेमाल करके अपन क्या करते हैं, वी डी और एच डी की वैल्यू निकालते हैं। चलिए बच्चों ये भी मैं ही करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास जो वी डी का वैल्यू आ रहा है, जो मेरे पास वी डी का वैल्यू आ रहा है, वो मेरे पास वैल्यू आ रहा है 4.75। है ना, वी डी का वैल्यू आ रहा है मेरे पास कितना, 4.75 आ रहा है, ऐसा मान लीजिए 4.75 आ रहा है। तो वी डी का वैल्यू अगर 4.75 आ रहा है, तो एच डी का वैल्यू कितना हो जाएगा पास, 4.75 हो जाएगा।
और अगर मेरे पास ये 4.75 आ रहा है HD, तो मेरे पास HA का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, HA का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, बस 4.75 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.75 किलो न्यूटन ही हो जाएगा। यस, अब मुझे VA का वैल्यू लिखना है, तो VA और VD का वैल्यू कितना होता है, 11 होता है ना, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं VA प्लस VD जो होता है वो कितना है मेरे पास, 11 किलो न्यूटन है, कितना है मेरे पास, 11 किलो न्यूटन है। तो VA का जो वैल्यू है वो मुझे निकालना है, और ये 11 में से क्या माइनस हो जाएगा यहाँ से, है ना, ये देखो ये 11 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, यहाँ पर 4.75 माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6.25 किलो न्यूटन हो जाएगा, है ना, 6.25 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो क्या मैंने यहाँ पर सारे इसको सॉल्व करके सारी रिएक्शंस का वैल्यू निकाल लिया बच्चों? क्या मैंने इसे सॉल्व करके यहाँ पर आपको सभी रिएक्शंस का वैल्यू बता दिया बच्चों? क्या आपको इसके ऊपर थोड़ा बहुत भी समझ में आया कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या बना यहाँ पर, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या बना यहाँ पर, क्लियर हुआ बच्चों आपको, है ना? बड़ा आसान सा सवाल है ये, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे किया जा रहा है ना। चलो आइए, अब हमको क्या करना है, मेंबर्स के अंदर निकालना है, तो हम क्या करते हैं मेंबर्स के ऊपर निकालते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एट जॉइंट डी पर जाता हूँ। जॉइंट डी पर जाने से मतलब क्या है, जॉइंट डी पे जाने से मतलब ये रहेगा कि आपको सबको पता ही होगा ये बात, मैंने आपको ट्रस्ट में भी पढ़ाया था कि आप हमेशा ऐसे जॉइंट को कनेक्ट करा करो, ऐसे जॉइंट को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना रहता है कि जिस जॉइंट पे मिनिमम नंबर ऑफ क्या हो, अननोन्स हो, मिनिमम नंबर क्या, मोर देन टू नहीं हो। तो देखो वी ए का, वी डी का वैल्यू कितना है मेरे पास यहाँ पर, VD का वैल्यू कितना है मेरे पास, 4.75 आया, है ना, और HD का वैल्यू भी कितना है, 4.75 आया, और सब पॉजिटिव आया, है ना, और ये C है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, FCD लिख सकता हूँ, है ना। तो FCD का वैल्यू मुझको निकालना है बच्चों, क्लियर हो गया? अब अगर मुझे यहाँ पर FCD का वैल्यू निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ये थीटा पता करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि मैं थीटा कहाँ मानना चाहता हूँ। चलो अब इधर चलते हैं अपन लोग, अगर इस थीटा की बात करी जाए तो ये थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा, और अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, और अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर इसे कितना कर देते हैं, 45 डिग्री हो जाएगा। 2 मिनट रुकिए, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। मुझे क्या करना है, ये एफ सी डी निकालना है, और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया अपने को, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ मैं सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो लगाया मैंने, तो सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो में एफ सी डी कॉस 45 इक्वल्स टू कितना, 4.75 आ जाएगा, है ना। और क्या ये एफ सी डी इज इक्वल टू 4.75, है ना, 4.√2 किलो न्यूटन हो जाएगा, ये चीज हो गया, है ना, ये चीज हो गया। मतलब एफ सी डी को आप कहीं से भी कैलकुलेट कर लो, आपको एफ सी डी का वैल्यू ऐसे ही मिलेगा। यस, अब उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जॉइंट ए ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं, जॉइंट ए ले लेता हूँ। तो क्या मुझे जॉइंट ए लेने से फायदा होगा बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या मुझे जॉइंट ए लेने से फायदा होगा? तो वहां पर क्या है, वो एच का वैल्यू मुझको नहीं पता, क्योंकि वो ए से सी की तरफ जाएगा ना, है ना। तो ये एंगल निकालने में को दिक्कत हो सकती है, ये वाला एंगल निकालने में, क्योंकि मुझे ये एच का वैल्यू नहीं पता है ना, ये मुझे एच का वैल्यू नहीं पता, तो मुझे ये दिक्कत हो जाएगी। तो मैं जॉइंट ए की तरफ नहीं जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जॉइंट सी की तरफ जाता हूँ, है ना। जॉइंट सी पे क्योंकि मेरे पास क्या है, एंगल है, और अननोन कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ बी सी है मेरे पास। चलो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ, जॉइंट सी पर जाता हूँ। जॉइंट किस पे गया मैं, सी पर गया। तो सी से जैसे ही मैं गया तो ये पॉइंट सी है, और सी से क्या था, एक वेट लटक रहा है, उस वेट का वैल्यू कितना था, 8 किलो न्यूटन था, ये तो मुझे 100% पता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींचता हूँ। क्यों खींची मैंने लाइन, क्योंकि मेरे पास जो एफ सी डी है उसका एंगल मुझे 45 दिखाना है, ये मुझे समझना है। यहाँ पर एफ सी डी हो गया, है ना, ये हो गया मेरे पास एफ सी डी, और एफ सी डी की वैल्यू मेरे पास कितनी, 4.75√2 मेरे पास इसका क्या है ना, 4.75 क्या है मेरे पास, 4.75√2 मेरे पास क्या है, इसका वैल्यू है। अब यहां से मेरे पास क्या है, यहां से मेरे पास क्या है, एफ सी डी, है ना, ये हो गया सी, है ना, और तो ये कितना हो जाएगा एफ सी डी, और ये कितना हो जाएगा एफ सी बी हो जाएगा, है ना। तो अपने को ये एफ सी बी निकालना है। अब ये हो गया अपने पास थीटा, तो सबसे पहले तो मुझे थीटा की वैल्यू भी पता करना पड़ेगी, और मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले तो मेरे को समझना पड़ेगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, है ना। देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर दो अननोन है, और दो अननोन और दो इक्वेशन में बना सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, बहुत ही आसानी से बना सकता हूँ। देखो कैसे बना सकता हूँ, देखो कैसे बना सकता हूँ, देखो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ एफ, है ना, क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो अगर मेरे को ऐसा लिखना है, तो बच्चों क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, एफ सी बी, है ना, एफ सी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ सी डी
है ना एफ सी डी एफ सी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ सी डी कॉस 45 ऐसा लिख सकता हूँ मैं कॉस 45। तो क्या बच्चों यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू आ गई कि एफ सी बी जो कॉस थीटा होगा मेरे पास कॉस थीटा होगा है ना एफ सी बी कॉस थीटा जो होगा मेरे पास क्या बच्चों वो 4.75 रूट टू इंटू 1/√2 हो जाएगा। और क्या वो बच्चों एट द एंड ऑफ द डे 4.75 हो जाएगा, मतलब मेरे पास एफ सी बी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है ना पहला। अब अगर मैंने यहाँ पर क्या लगाया, अब मैंने उसी तरह से अगर यहाँ पर लगाया समेशन ऑफ एफ पाई इक्वल्स टू जीरो लगाया तो बच्चों क्या मुझे यहाँ पर मिल जाएगा एफ सी बी है ना एफ सी बी साइन 45 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा मेरे पास। एफ सी बी साइन 45 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो यहाँ से एफ सी बी साइन 45 इक्वल्स टू 8 और प्लस है ना प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर एफ सी बी के साथ। एक चीज और क्या आएगी मेरे पास एफ सी डी है ना एफ सी डी साइन 45 भी आएगा एफ सी डी साइन 45 भी आएगा यस और दो एफ सी बी साइन एफ सी डी साइन 45 भी आएगा तो ये कितना हो जाएगा 4.75 रूट टू ये हो जाएगा और वन अपॉन में क्या हो जाएगा रूट टू हो जाएगा है ना वन अपॉन में रूट टू हो जाएगा। और प्लस कर लो यहाँ पर ये एफ सी बी कितना हो जाएगा साइन 45 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो इसको इससे माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा एफ सी बी साइन 45 हो जाएगा है ना साइन 45 हो जाएगा है ना। और ये क्या हो जाएगा 8 में से ओहो एक मिनट ये तो 8 माइनस 4.75 करा तो ये 3.25 अपने पास यहाँ पर ही आ गया 3.25 अपने पास क्या हुआ ये आ गया। नहीं नहीं मैंने एफ सी बी के साथ 45 कैसे लिख दिया, अरे गलती कर दी एफ सी बी के साथ 45 नहीं लिख सकते एफ सी बी के साथ साइन थीटा आएगा और यहाँ पर भी क्या होगा साइन थीटा आएगा है ना कितना हो जाएगा यहाँ पर ये साइन थीटा आएगा है ना। अब क्या करो उसको डिवाइड कर दो तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एफ सी बी है ना साइन थीटा को किससे डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर मैं एफ सी बी कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.75 हो जाएगा और कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास 6.72 आ रहा था ना 6.72 नहीं एक्चुअली मेरे पास वो 4.75 आ रहा है ना 4. कितना आ रहा है 7.5 आ रहा है तो उसका वैल्यू निकाल लेते हैं अपन लोग क्या करते हैं 3.75 है या 3.25 है। देखो ये 3.25 था मैंने 7.5 लिख दिया कितना आया यहाँ पर मेरे पास ये 3.25 आया कितना आया 3.25 आया और ये कितना जा रहा है मेरे पास 3.25 और ये भी कितना हो रहा 3.25 हो रहा है तो कर दो 3.25 डिवाइडेड बाय 4.75 से डिवाइड कर दो तो ये आ रहा है मेरे पास 10 थीटा है ना तो 10 थीटा आ रहा है मेरे पास 10 थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.68 आ रहा है। थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं अपन लोग शिफ्ट दबाओ अपने कैलकुलेटर में बढ़िया है ना दबाओ यहाँ पर 10 इनवर्स शिफ्ट 10 इनवर्स इनटू आंसर तो 34.38 आ रहा है मेरे पास थीटा का वैल्यू आ रहा है 34.38। अब इस थीटा का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या करा अपन ने यहाँ पर अपने पास जो बना था कि अपने पास बना था यहाँ पर एफ सी बी है ना एफ सी बी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना बना था मेरे पास यहाँ पर 4.75 जो बना था है ना। तो क्या करता हूँ मैं एफ सी बी और कॉस थीटा की जगह कॉस इंटू है ना 34.38 है ना तो यहाँ पर लिखा 4.75 लिखा तो यहाँ पर क्या करो एफ सी बी का वैल्यू निकाल दो है ना एफ सी बी का वैल्यू निकाल दो। चलो कैसे करेंगे यहाँ पर कॉस लगा के आंसर लगाया और ये आंसर आया 4.75 डिवाइडेड बाय आंसर करा तो 5.755 आ रहा है मेरे पास 5.755 किलो न्यूटन ये एफ सी बी आता है। तो अपन ने क्या करा यहाँ पर बच्चों देखो अपन ने एफ सी बी का वैल्यू भी निकाल लिया मतलब देखो अपन ने यहाँ पर क्या क्या सॉल्व कर लिया। चलो डायग्राम की तरफ चलते हैं एक बार जरा देखे तो सही क्या क्या कर लिया एक तो ये निकाल लिया अब ये निकाल लिया बचता है मेरे पास ये बचता है। चलो अब इसको भी समझते हैं अपन लोग है ना अब इसको समझने के लिए अपन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं है ना। अगर अपन लोग गए जॉइंट ए पर चलो है ना बहुत सारी चीजें हैं जिससे अपन कर सकते हैं। पहले अगर अपन चाहें तो अगर अपन ए का वैल्यू चाहे तो वो भी पता कर सकते हैं वो एच का वैल्यू है ना टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच है ना वैल्यू ऑफ एच ये एच का वैल्यू निकालना है ना। तो टेक द मोमेंट अबाउट है ना टेक है ना क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पर अपन क्या करेंगे यहाँ पर टेक है ना टेक मोमेंट अबाउट बी है ना टेक मोमेंट अबाउट बी
है ना, मोमेंट अबाउट बी, मोमेंट अबाउट बी ले लो है ना, और मोमेंट अबाउट बी लिया मतलब सम ऑफ मोमेंट एट बी कितना होगा, जीरो होगा। तो लिखो ये किसके बराबर हो रहा है अपने पास, ये देखो, तो अपने पास एक वी ए ऐसे जा रहा था और वो ऐसे जा रहा था, तो अपन चाहे तो पे लिख सकते हैं कि वी ए इंटू टू लिख दो और माइनस एच ए इंटू क्या कर दो, एच कर दो, इक्वल्स टू जीरो कर दो। तो वी ए का वैल्यू कितना निकाला था मैंने, वी ए का वैल्यू, वी ए का वैल्यू, वी ए का वैल्यू कितना निकाला था मैंने, वी ए का वैल्यू निकाला था मैंने यहाँ पर 6.25 निकाला था, वी ए का वैल्यू कितना निकाला था मैंने, 6.25 निकाला था, और इंटू क्या निकाला था, टू करा था है ना, माइनस एच ए इंटू एच करा था, इक्वल्स टू क्या करा था, जीरो करा अपन ने है ना, इक्वल्स टू क्या करा, जीरो करा। तो एच ए का वैल्यू निकल जाए, एच ए का वैल्यू भी आपको पता है, सॉरी एच ए का वैल्यू तो मेरे को याद है 4.75 है, एच ए का वैल्यू कितना है 4.75 ही आया था है ना। तो चलो एच का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 6.25 है ना इंटू करा टू है ना, इंटू करा टू और डिवाइड कर दिया 4.75 से, तो कितना आ रहा है मेरा, एच का वैल्यू 2.63 आ रहा है ना, तो 2.63 आ रहा है। तो बच्चों देखो, अब अगर मेरे पास ये 2.63 निकाल लिया मैंने यहाँ पर है ना, ये 2.63 निकाल लिया मैंने, 2.63 निकाल लिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये टू हो गया और ये अपने पास बेस हो गया, तो ये मैं थीटा निकाल सकता हूँ यहाँ से चाहूँ तो है ना, चाहूँ तो ये थीटा निकाल सकता हूँ। तो बताओ ये थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर है ना, ये टेन थीटा इक्वल्स टू लगा लो यहाँ पर है ना, टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना कर सकता हूँ मैं है ना, टू अपॉन में 2.63 कर सकता हूँ है ना, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर है ना, टू अपॉन में 2.63 कर दिया, शिफ्ट दबा के 10 है ना, क्या करा, शिफ्ट दबा के 10 इनवर्स आंसर, तो 37.23 मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर, थीटा आ गया है ना। तो एट जॉइंट ए अगर मेरे को लगाना हो, क्या कर सकता हूँ मैं, एट जॉइंट ए अगर मेरे को यहाँ पर लगाना हो, तो बच्चों क्या मैं जॉइंट ए पर इस तरह से लगा सकता हूँ है ना, एक तो मेरे पास क्या था, एक मेंबर मेरा ऐसा जा रहा था और एक मेरे पास ऐसा जा रहा था, और ये मेरे पास यहाँ पर ऐसे आ रहा है ना, तो ये मेरे पास क्या है, एफ है ना, एफ ए बी है ना, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, वी ए और एच ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वी ए और एच ए हो जाएगा। तो एच ए का वैल्यू तो 4.75 था और वी ए का वैल्यू कितना था, अभी मैंने लिखा 6.25 है ना, 6.25 लिखा। तो एफ ए बी निकालना है मुझको बच्चों यहाँ पर है ना, एफ ए बी क्या करना है यहाँ पर है ना, एफ ए बी क्या करना है हमको यहाँ पर निकालना है ना, एफ ए बी, तो ये एच ए का वैल्यू कितना है मेरे पास, 4.75 है ना, और ये जो थीटा है ना, थीटा का वैल्यू मैंने कैसे लिखा था एक बार मुझे खुद चेक करना पड़ेगा, आई शुड चेक इट, हाँ तो ये थीटा निकाला था, तो दैट वाज कितना आया ये मेरा, 37.23 कितना आया मेरे पास, ये 37.23 आया। तो आप क्या करिए यहाँ पर, ये लगा लीजिए सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सॉरी सम ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो लगा लीजिए यहाँ पर, सम ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो लगा लीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, बी ए इज इक्वल टू एफ ए बी क्या आ जाएगा, एफ ए बी कॉस थीटा आ जाएगा, यस और नो। तो बी ए का वैल्यू कितना है मेरे पास यहाँ पर, 6.25 है, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, एफ ए बी हो जाएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा है ना, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 37.25 हो जाएगा, 37.25 हो जाएगा, यस 23 आया ना, 37.23 है, 37.23 हो जाएगा। तो दबाओ इसको, कॉस करो, कॉस 7.85 आया मेरे पास, बी ए का वैल्यू कितना है मेरे पास यहाँ पर, 7.85 आया है ना, 7.85 आया है ना। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में एक और चीज थी, कैलकुलेट द सैग ऑफ द है ना, कैलकुलेट द सैग ऑफ द बी है ना, कैलकुलेट द सैग ऑफ द बी भी करने को बोला जाता है इसके अंदर, मतलब ये जो इस क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लिख देते हैं कि कैलकुलेट द सैग ऑफ द बी, मतलब ये बी कितना नीचे है, ये बी कितना नीचे, ये भी अगर आपको निकालने को बोल देते, मतलब आपको ये एच का वैल्यू यहाँ पर क्या करना था, निकालना था, तो हमने वो चीज भी यहाँ पर करके देख ली, हमने क्या करा, वो चीज भी यहाँ पर क्या करी, करके देख ली। तो बताओ बच्चों, क्या आपको अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया उतना आपको क्लियर हुआ, बताइए क्या आपको यहाँ पर क्लियर हुआ बच्चों, है ना। तो जो हमारा केबल का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही आसान होता है, सस्पेंशन ब्रिज का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है। जैसे आइए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, आप लोग क्या करेंगे उसका क्वेश्चन को ट्राई करेंगे है ना, क्वेश्चन को ट्राई करिएगा आप है ना। इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, किसी भी मेंबर में आपको क्या करते हैं, फोर्स निकालने के लिए बोल देते हैं है ना, क्वेश्चन दे देते हैं है ना, ये आपका इसको अपन होमवर्क बोल देते हैं यहाँ से।
है ना, ये 1 किलोन्यूटन का लोड आ रहा है यहाँ पर, है ना। अब ये देखो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर इसको नाम देते ए देते, बी देते, इसको नाम सी देते, डी देते और ई दे देते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, कैलकुलेट द फोर्स इन ईच मेंबर। होमवर्क क्या है आपका यहाँ पर, कैलकुलेट द फोर्स इन द ईच मेंबर, कैलकुलेट द फोर्स इन ईच मेंबर, ये आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, ये बात समझ में आया, जल्दी बताओ क्या आपको ये बात समझ में आई। आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट द फोर्स इन ईच मेंबर, ये चीज आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके बच्चों, समझ में आया आपको, यहाँ पर बताइए बताइए क्या आपको यहाँ पर एक क्लियर हुआ। ठीक है, देयर आर 5 स्टूडेंट्स लाइव बट नोबडी इज रिप्लाइंग, व्हाई, ऐसा क्यों कर रहे हो भैया बताइए। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, क्वेश्चन में करके लेके, मतलब एज अ होमवर्क मैं आप लोगों को ये चीज दे रहा हूँ, आपको ये एज अ होमवर्क करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर अपना क्लास को आज यहाँ पर एंड करते हैं। और क्लास को एंड करने के साथ क्या हुआ, हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब जिन बच्चों को, अगर मेरे रेगुलर स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते तो मैं क्या करता, उन लोगों को ये चीज का प्रूफ दे देता, बट अगर आप लोग बाद में देखते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या करा। हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट करा क्वेश्चन स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को समझने से। तो क्या मैंने आपको ये चीज समझाई, यस, है ना। अब हम लोगों ने चालू करा फोर्स मेथड, सारी फोर्स मेथड पढ़ी, एनर्जी मेथड कल ही हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, पूरा खत्म करा, पूरा खत्म करा, है ना। अब अपन ने करा मेथड, हमने क्या करा, मेथड ऑफ सुपर पोजिशन ये भी सीखी, एनालिसिस ऑफ ट्रस खत्म करा, आर्चेस पूरा पढ़ा, है ना, बीम्स पूरे पढ़े, केबल्स हमने पूरे पढ़े, अब भी खत्म करा केबल्स तो, और फ्रेम्स भी हमने पूरा करा, है ना। डिस्प्लेसमेंट मैटर जो होती है हमारी, उसमें हमने क्या करा, स्लोप डिस्ट्रीब्यूशन, क्या स्लोप डिफ्लेक्शन पढ़ा, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ये भी पूरा पढ़ा, स्टिफनेस एंड द फ्लेक्सिबिलिटी मैथड ऑफ द ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, क्या हमने ये भी पढ़ा। तो हाँ, हमने क्या करा, पूरा का पूरा सिलेबस क्या करा, यहाँ पर कंप्लीट करा। बच्चों जो सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट करा है ना, है ना, जो सिलेबस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट करा है, उस सिलेबस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो लेवल मैंने रखा, ये मेरा गेट और ईएसी के लिए ही रखा है ना। ईएसी के कुछ टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, मैं मानता हूँ, लेकिन गेट के लिए इसके बाहर नहीं जाने वाला है ना, इसके बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप इस इन लेक्चर्स को आप देखिए, इन लेक्चर्स को आप देखिए, इनसे रिवाइज करिए। अब कल से जो हमारा काम, कल से हमारा जो चालू होने वाला है, हमारा चालू ये होने वाला है कि 2:30 बजे से कल से हमारी वापस से क्लासेस रहेंगी, जो हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस का ही क्लास है, जो हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का ही क्लास रखा गया है। अब इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर क्या किया जाएगा, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हुए हैं, है ना, जितने भी हमारे टॉपिक्स कहे हुए हैं, इनके क्वेश्चंस कराए जाएंगे, है ना, इनके क्वेश्चंस कराए जाएंगे, है ना। अब क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, क्वेश्चंस में गेट के क्वेश्चंस भी होंगे, गेट में इसमें ईएससी के क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें एसएससी जेई एचपीसीएल के भी क्वेश्चंस रखे जाएंगे। मेनली मैं आपको क्वेश्चन का जो टाइप है वो सब्जेक्टिव रखूंगा। क्यों सब्जेक्टिव रखूंगा, ताकि जो मेथड्स आपको सिर्फ उसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, वो मेथड्स आपको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाए, ताकि आपकी कुछ एग्जाम्स की कन्वेंशनल का भी तैयारी हो जाए, पहला। और दूसरा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने से क्या होता है, हमको नॉलेज बढ़ता है,
क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो सब्जेक्टिव के बी सब पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के किसी पर्टिकुलर स्टेप का कंसेप्ट ही तो है जो आपसे पूछा जा रहा है ना। तो ये चीज हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। ओके बच्चों, तो पूरा HPCL का सिलेबस कंप्लीट करा दिया मैंने यहाँ पर आप लोगों को, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था। अब एक नया सब्जेक्ट लेके आने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना, एक नया सब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली हमारा स्टील स्ट्रक्चर रहने वाला है ना। जो स्टील स्ट्रक्चर मेरा नया सब्जेक्ट है वो मैं 1 जून से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट कर दूंगा, है ना। डेट कंफर्म है, अभी सब्जेक्ट का नाम कंफर्म नहीं है क्योंकि कुछ चेंजेस कर सकना पड़ सकते हैं। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर भी मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ बच्चों आप लोगों को, और मैंने सर्वे भी पूरा पढ़ाया था, बट सर्वे का अभी सर्वे मैंने दूसरे चैनल पे पढ़ाया था तो हम उसे काउंट नहीं करते हैं। वैसे तो मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ बट हम लोग क्या कर रहे करते हैं उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, है ना। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए बताएं आप लोग कि अब आप क्या चाहते हैं, मतलब जो भी नया सब्जेक्ट आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो वो सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मैं क्लास को कर रहा हूँ एंड, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल 2:30 बजे। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।